नमस्कार बच्चों, नए साल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कक्षा 5वीं में सबसे पहले आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए साल में आपने कुछ नए संकल्प करने हैं, पढ़ाई का संकल्प करना है। आपने 1 या 2 घंटे अवश्य पढ़ना है ताकि आप तरक्की कर सकें और गणित की अवधारणाओं को समझना है। चलिए आज हम एरिया, क्षेत्रफल और परिमाप से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको 5 प्रश्न उत्तर दिए थे, उनके उत्तर ये रहे। प्रश्न नंबर 1 का, 2 का, 3, 4 और 5 के उत्तर यहाँ से देखकर आप कर लें। अगर आपने वो प्रश्न नहीं किए हैं तो दोबारा मेरी पिछली वीडियो देखकर वो कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में हम नवोदय की तैयारी भी करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक वर्ग तथा एक आयत का परिमाप बराबर है। हमारे पास 2 आकृतियां हैं, एक वर्ग और एक आयत, दोनों का परिमाप बराबर है। यदि वर्ग की भुजा 16 सेंटीमीटर है, भुजा कितनी है वर्ग की? 16 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप निकाल सकते हैं हम। परिमाप कितना आएगा? भुजा गुना 4, चारों भुजाएं बराबर होती है ना, 16 गुना 4, 16 जो कि 64, 64 सेंटीमीटर। अब यही आपका आएगा आयत का परिमाप। आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो आयत का परिमाप भी 64 सेंटीमीटर ही आपका आ गया। तो यहां पे आप अर्ध परिमाप निकाल लेंगे, आधा परिमाप। मैंने पिछली वीडियो में बताया था जिसको हाफ पेरीमीटर कहते हैं, दो भुजाओं का जोड़ होता है, 2 से भाग करके निकल आएगा आपका, वो आ गया 32 सेंटीमीटर। अब उसकी लंबाई कितनी है? 18 है, लंबाई बराबर है 18 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई कितनी आ गई बच्चों? घटा देंगे इसमें से, 32 घटा 18, 14 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आपका कौन सा उत्तर आएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, उस वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल तथा परिमाप बराबर है। एक वर्ग है, ये देखिए वर्ग है, इसका क्षेत्रफल और परिमाप बराबर है, दोनों बराबर है। अगर हम भुजा 6 ले लें तो 6 गुणा 6 और 6 गुणा 4, ये दोनों हमारे बराबर आने चाहिए। 2 गुणा 2 और 2 गुणा 4 क्या बराबर है? 4 गुणा 4 और 4 गुणा 4, यहां पर दोनों सेम आएगा, क्योंकि क्षेत्रफल को भुजा से गुणा करेंगे और परिमाप में भुजा को 4 से गुणा करेंगे, तो दोनों का उत्तर हमारा 16 आएगा। तो इसका उत्तर आएगा सी। उसका वर्ग की भुजा कितनी होगी? वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर होगी, आप सी ऑप्शन पर टिक कर देंगे। नंबर 3 में एक पारक की लंबाई तथा चौड़ाई दी गई है, इसके चारों ओर 2 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। अब क्या करना है? एक पारक के चारों तरफ चक्कर लगाना है। जिस प्रकार की आपके पास एक पारक है, इसके चारों तरफ चक्कर लगाएंगे तो क्या निकालेंगे आप? परिमाप निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर इस पारक के अंदर आपने घास लगवानी है तो हम क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर इसके चारों तरफ चक्कर लगाना है या चारों तरफ तार लगवानी है तो हम इसका परिमाप निकालेंगे। तो इसमें क्या लगाना है? तार लगानी है ना, 2 चक्कर लगाने हैं, तो परिमाप निकाल लेंगे। परिमाप कैसे निकलेगा? परिमाप बराबर है लंबाई जमा चौड़ाई, दोनों को जोड़ने के बाद 2 से गुणा कर देंगे, यानी कि 150 जमा 100 और गुणा 2, तो कितना आएगा हमारा? पहले को जोड़ लेंगे, 250 गुणा 2, 500 मीटर। अब उसने 2 चक्कर लगाने हैं ना, 1 चक्कर में 500 मीटर की दूरी तय करेगा, तो 2 चक्कर में, 1 चक्कर में 500 मीटर, तो 2 चक्कर में 500 दूसरे चक्कर में, तो इस प्रकार से 1000 मीटर की दूरी तय करेगा। 1000 मीटर बराबर है 1 किलोमीटर, तो किलोमीटर में उत्तर दे सकता है इसका नवोदय विद्यालय ने, तो 1 किलोमीटर इसका उत्तर आएगा। प्रश्न नंबर 2 में देखते हैं, 4 में देखते हैं, एक खेत 100 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा है, इसके चारों ओर कांटेदार तार लगवानी है। इसमें वही है, तो आप परिमाप निकाल लेंगे सीधा ही। जब भी हम कांटेदार तार लगाएंगे तो चारों तरफ लगेगी वो, तो चारों तरफ के माप को हम परिमाप कहते हैं, और परिमाप का सूत्र लंबाई जमा चौड़ाई गुणा 2, यानी कि 100 जमा 20, पहले जोड़ करना है, 120 गुणा 2, यानी कि 240 मीटर वो तार लगेगी। 15 रुपए प्रति मीटर खर्चा, 1 मीटर तार का खर्चा कितना है? 15 रुपए, तार लगाने 240 मीटर, तो 1 मीटर तार का खर्च कितना है बच्चों? 15 रुपए, और 240 मीटर तार का खर्च ज्यादा आएगा ना, 15 को 240 से गुना कर देंगे, तो 0 15 0 0 15 जो कि 60, 15 दून 30, 3600 रुपए खर्च आपका कुल आएगा।
इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 5 में एक स्कूल का मैदान 80 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा है, जैसे कि मैंने चित्र में दिखाया था, ₹5 प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवानी है। अब घास कहाँ लगाएंगे आपके, घास के चारों तरफ तो नहीं लगेगी ना, घास तो बीच में लगेगी। अगर हमने टाइल लगानी है, घास लगवानी है, तो ये बीच का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो इस सवाल में हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो क्या लिखेंगे, मैदान का क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है, पहले सूत्र लिख लेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 80 गुणा 50, दोनों को गुणा कर देंगे हम, 4000 वर्ग मीटर आ गया। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर में आता है, क्योंकि छोटे छोटे वर्ग बनते हैं, एक एक मीटर के वर्ग बनेंगे। तो एक वर्ग मीटर खर्चा कितना है, ₹5। लिखेंगे एक वर्ग मीटर पर घास का खर्च कितना है बच्चों, ₹5। और कितने वर्ग मीटर है वो, 4000 वर्ग मीटर पर घास का खर्च, 5 × 4000 से गुणा कर देंगे। तो 5 से गुणा कर 500 × 500 × 500 × 500 = 20। ₹20,000 कुल खर्चा आपका इस प्रकार से आ गया। इस प्रकार के प्रश्न बड़े ही सरल हैं, इसमें कुछ रस्तों वाले प्रश्न भी होते हैं, वो हम करेंगे। प्रश्न नंबर 6 में एक आयताकार पार्क की लंबाई 10 मीटर तथा चौड़ाई 8 मीटर है, इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता छोड़ा गया है। ऐसे ऐसे प्रश्नों का आप चित्र बना ले, चित्र के माध्यम से हम करेंगे। एक ये आयताकार पार्क है, इसकी लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है, इसके अंदर 1 मीटर रास्ता छोड़ा गया है बच्चों। ऐसे ये रास्ता चारों तरफ छोड़ दिया गया है ताकि सभी लोग इसके अंदर घूम सकें पार्क के अंदर। तो 1 मीटर ये छोड़ दिया, 1 मीटर यहाँ से छोड़ दिया, 1 मीटर ये छोड़ दिया, 1 मीटर ये छोड़ दिया। तो इस प्रकार जो इसके अंदर पार्क का ये पार्क बच गया ना यहाँ पर, तो इसका क्षेत्रफल आपने ज्ञात करना है। तो पहले हम पार्क की लंबाई ज्ञात कर लें, क्योंकि सारी लंबाई 10 थी ना, एक इधर छोड़ दी एक इधर छोड़ दी, तो इसकी लंबाई कितनी बच गई, 8। ये सारी लंबाई 8 थी, रास्ते एक इधर छोड़ा एक इधर छोड़ा, तो इस अंदर वाले रास्ते की लंबाई चौड़ाई कितनी बच गई, 6। तो लिखेंगे रास्ते को छोड़कर पार्क की लंबाई कितनी बच्चों, 8 मीटर। इसी प्रकार से चौड़ाई लिखेंगे, चित्र से क्लियर होगा आपको, 6 मीटर। अब क्षेत्रफल निकालना बड़ा ही आसान है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 8 × 6 = 48 वर्ग मीटर। बड़ा आसान प्रश्न है, इस प्रकार आप कर सकते हैं। एक कमरा 5 मीटर लंबा 4 मीटर चौड़ा है, ₹50 प्रति वर्ग मीटर की दर से टाइलें लगाने का खर्च याद करो। टाइलों का मिस्त्री जो है ना, ₹50 प्रति वर्ग मीटर का खर्चा मांग रहा है, तो कितना खर्चा आएगा, क्या निकालेंगे आप, क्षेत्रफल निकालेंगे ना। देखेंगे कमरे का क्षेत्रफल क्या सूत्र लगेगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि लंबाई कितनी है 5 × 4, तो 20 वर्ग मीटर। तो अब कुल खर्चा निकालेंगे कमरे का, एक वर्ग मीटर पर टाइल लगाने का खर्च कितना है, एक वर्ग मीटर में टाइल लगवाने का खर्च कितना है बच्चों, बराबर है ₹50। और वो कमरे का क्षेत्रफल 20 वर्ग मीटर है ना, तो 20 वर्ग मीटर में टाइल लगवाने का खर्च 50 को हम 20 से गुणा कर देंगे, 20 × 0 = 20, 100। ₹1,000 कुल खर्च उसके अंदर आएगा। इस प्रकार से आप क्षेत्रफल और परिमाप के और अन्य प्रश्न करें। अगली वीडियो में हम कुछ नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।